मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणो भजा। सेव द नेशन मीडिया रिटायर क्लब ऑफ नेपाल राष्ट्र संरक्षण साप्ताहिक को यो प्रस्तुति अंतर संवाद कार्यक्रम में यहाँ हार्दिक स्वागत करना चाहे। आज हमी यो ब्यास गुफा को वेदांत अनुरूप तदरूपता रूप में चलि रहोस् भनेर हामीले माटो को टीका लगाएर आज कार्तिक एक गति देखि कार्तिक मसान्तसम्म विश्वका ओमकार परिवारहरू मिलन होस् भनेर विश्व महामिलन हिन्दू महामिलन पर्वको रूपमा हामीले मानिरहेका छौँ। सोही पर्वको समुद्घाटन गर्न भारतदेखि जगद्गुरु पूज्य श्री स्वामी उपेन्द्र पराशरजी महाराजजीको आगमन भएको छ। हामी उहाँसँग छौँ आज र हामी यति गौरव छौँ कि यो गौरवले हाम्रो खुसीको सीमा रहेको छैन। त्यसैले उहाँ अश्वमेध पीठाधीश्वर पनि हुनुहुन्छ, यो भारतमा पर्दछ अश्वमेधा पीठ। जगद्गुरु पूज्य श्री स्वामी उपेन्द्र पराशरजी महाराजजीसँग आज हामीले हाम्रो सेभ द नेसन अनलाइन टेलिभिजनले अन्तर्वार्ता लिन पाउँदा हामी गौरवको साथ कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँ भारतमा जन्मे तापनि नेपालप्रतिको अति नै उहाँले अहिले अघि हामीलाई प्रमुख अतिथिको अतिथ्य आशीर्वचनमा नेपाल के रहेछ र भन्ने पनि उहाँले पहिचान दिनुभएको छ। ती कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै हामी सबै यो नेपालीहरू मात्रै नभएर हिन्दूहरू मात्रै नभएर सबैको धर्ममा एउटै धर्म छ, त्यो धर्म अडिरहनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई आशीर्वचनमा यो सबैले मनमा लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई आज उहाँले दिनुभएको छ। त्यही विषयका कुराहरूलाई हामी मध्यनजर राखेर आज उहाँसँगको अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। प्रणाम सर, नमस्कार। कैसे आया है नेपाल, किसका लिए आया है नेपाल और भारत? भारत कार्यक्रम जब चल रहा था, उसमें हमने सुना कि दोनों मित्र शांति स्वरूप बाबा ने कहा कि मित्र राष्ट्र से, लेकिन मैं नहीं मानता कि भारत और नेपाल में कोई मित्र है, क्योंकि मित्र के लिए दो लोगों की जरूरत हो, जबकि नेपाल और भारत एक है, दोनों अंतरंग हैं, इसलिए इसमें मित्रता क्या, नेपाल ही भारत है और भारत ही नेपाल है, हम एक हैं, एक रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा तो भारत में भी भिन्न भिन्न है, दक्षिण भारत में दूसरी बोली जाती है, पूरब में दूसरा, हमारे यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषाएं, उसी तरह नेपाल की भाषा भले अलग हो लेकिन सांस्कृतिक रूप से नेपाल और भारत एक है। हमारे कर्मकांड, हमारे सिद्धांत, पूजन पद्धति, हमारे देव सभी एक है, यहाँ भी गणेश वहाँ भी गणेश, यहाँ शिव वहाँ शिव, यहाँ तक कि यहाँ से लोग मुक्ति प्राप्ति के लिए काशी जाते हैं और हम लोग मुक्ति प्राप्ति के लिए मुक्तिनाथ आते हैं, इतना अंतरंग संबंध है। भारत नेपाल मित्रता की बात नहीं है, हम ही भारत हैं, हम ही नेपाल हैं। क्या संबंध का लिए है? संबंध मधुर था, मधुर है, मधुर रहेगा, क्योंकि आप हमारे अपने हो। मैं मानता हूँ कि कुछ परिस्थितियाँ कभी कभी होती है तो परिवार के लोग भी रुष्ट हो जाते हैं, कभी कभी घरों में, जो अभी बीच में कुछ परिस्थिति आई थी, नेपाल के पहाड़ के लोग भारतीयों से रुष्ट हो गए थे, भारतीय राजनीति से रुष्ट हो गए थे, उधर बंदी वगैरह को लेकर के। मैं भारत की तरफ से संदेश देना चाहूँगा कि भारत, चाहे वो जो भूकंप की परिस्थिति रही उसमें आपने देखा, सबसे पहला सहायता के लिए किसी ने आगे आया तो भारत आया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री हमारी सुषमा स्वराज जी, वे सब लोग हाथ नहीं बढ़ाए बल्कि एकदम कंधा में कंधा मिला करके नेपाल के साथ न केवल संवेदनाएं बांटी बल्कि कंधा में कंधा मिला करके जो पीड़ित परिवार था उसके साथ लग करके उनकी पीड़ा को हरने का काम किया। जो भी जरूरत किसान, खून, वस्त्र, भोजन, आवास, सब कुछ बनाने के लिए हमने बहुत सारा श्रम किया, भारतीय लोगों ने किया, क्योंकि आप हमारे हो।
अब जो धर्म धर्म की बोले हैं धर्म क्या है? महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में बताया जतो अभ्युदय निश्रिया सिद्धि स्वधर्म, जो हमारे लोक में कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त है, मतलब लोक में कल्याण करता हो यहाँ जीवन में और मृत्यु के बाद जो हमारे परलोक को भी सुधारता हो, मृत्यु के बाद जीवन के साथ और मृत्यु के बाद भी जो हमारे कल्याण के निमित्त कार्य करता हो उसका नाम धर्म होता है। धारणा धर्म, धर्म धारण करने का विषय, और इसलिए मैं निवेदन करूं कि धर्म दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म, हिंदू वैदिक धर्म, इसके इतर परिस्थिति काल या समय के साथ संप्रदाय बन जाते हैं, मत हो जाते हैं, मजहब हो जाते हैं, लेकिन धर्म नहीं हो सकते। धर्म एक है, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए, संपूर्ण सृष्टि में चराचर जगत में जितने भी सूक्ष्माति सूक्ष्म और स्थूल जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सबके कल्याण के लिए, जिसमें वनस्पति भी है, जिसमें पशु पक्षी है, जैसे हम वनस्पति को भी भगवान मानते हैं, हम वनस्पति में पशुदेव मान लेते हैं, पीपल को उनको जल देते हैं, वनस्पति को हम पूजा करते हैं, प्रकृति पूजक हैं हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं ना, हम चींटी को भी चीनी शक्कर खिलाते हैं, हम कौवे को भी भोजन देते हैं, गाय को भी हम पूजते हैं मानते हैं, हम सब सृष्टि में जितने चराचर में व्यवस्थाएं हैं सबके हम उपासक हैं, हम प्रश्न सनातन के चल रहा सनातन कहते ही है पुरातन को, पुरातन सनातन करते हैं, कहते हैं पुरातन को जो सबसे पुराना हो, सबसे अति प्राचीन हो। ये धर्म में फैकल्टी होता है ना, कैसे होता है, कितना समय ऐसा है? उपासना पद्धतियाँ जैसे उपासना पद्धतियाँ भिन्न हो जाती है, कोई बुद्ध को सम्मान देता है, कोई जैन तीर्थांकर को सम्मान देता है, सभी सम्मानीय है, उपासना पद्धतियाँ हमारी भिन्न है, कोई निराकार मानता है, कोई सकार को पूजता है, कोई निर्गुण ब्रह्म का उपासक होता है, कोई सगुण ब्रह्म का उपासक होता है, तो ये उपासना पद्धतियाँ हैं हमारी। बहुत हमारा खुश रहा है, धन्यवाद। कैसे लगता है ये जो प्रोग्राम है ना, ये विश्व ओंकार तथा हिंदू महामिलन पर्व गत वर्ष से इस वर्ष का दूसरा साल है, हिंदू राष्ट्र था और ये दुर्भाग्य रहा यहाँ के लिए, हम संपूर्ण विश्व में रहने वाले हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य है कि मात्र एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई जाति नहीं है, यह संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। आज संपूर्ण विश्व में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद की, चाहे अराजकता की, असंतोष की, जितनी भी वैश्विक समस्याएं हैं, यदि उनका कहीं समाधान अगर ढूंढना है तो वह समाधान दे सकता है तो मात्र हमारी हिंदू संस्कृति दे सकती है, क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं, हम हिंसात्मक नहीं होते, हम सहनशीलता को अपनाते हैं, हम व्रत करते हैं, अपने शरीर को मारते हैं, उपवास करते हैं, हमारी संस्कृति ये है, किसी को मारने में काटने में उसके ऊपर अपने विचारों को थोपने में हम विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है कि सबसे पुरानी संस्कृति होने के बाद आज बहुत सारी संस्कृतियाँ आई और चली गई, मिट गई, इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गई, लेकिन आज भी हम जीवित हैं और आज भी हम सम्मानीय हैं। सारा विश्व यदि किसी संस्कृति के दहलीज पर जाकर के अपने माथे को झुकाता है तो वह मात्र और मात्र आपकी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, बाकी सारी संस्कृतियाँ आती हैं चली जाती है, समाप्त मिली संस्कृति, ये सब तो आएंगी, वेस्टर्न है और बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं वो आएंगी। आज देखिए विश्व बिरादरी आपके सनातन संस्कृति को सम्मान देता है, विश्व के लोग आज माथे पर चंदन लगा, चूंकि हम यही एक संस्कृति है जो प्योर साइंटिफिक है, विशुद्ध वैज्ञानिक है, हमारे और आपके पूर्वजों ने, हमारे और आपके मनुष्यों ने करोड़ों वर्षों तक अनुसंधान पूर्वक इसकी व्यवस्था बनाई, ये कोई भांग के नशे में जन्मा हुआ कोई संप्रदाय नहीं है,
ये तलवार के बल पर किसी को झुका देने की संस्कृति नहीं है, बल्कि करोड़ों वर्षों तक हमारे और आपके पूर्वजों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने रिसर्च किया और उसके बाद एक जीवन पद्धति बनाई विश्व के लिए, कि दुनिया की किसी संस्कृति के समझ में ये बात आई ही नहीं, क्योंकि बाकी संस्कृतियां तो भोग करने के लिए जन्मी, खाओ पियो मर जाओ भोग के लिए, और हमारी संस्कृति योग की संस्कृति है, हम परमात्मा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की संस्कृति है, बाकी सारी दुनिया की संस्कृतियां भोग की संस्कृति है, वो आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचती है नहीं, हमने सोचा, हमारे पूर्वजों ने सोचा, क्योंकि करोड़ों वर्षों से हम हैं और विगत कितने हजार करोड़ों वर्षों तक हम ही रहेंगे, इसलिए हमारे मनुष्यों ने इस पर विचार किया, ऋषियों ने, कि भाई यदि हम पेड़ को देवता नहीं मानेंगे तो भविष्य में लोग काट देंगे इसको, तो फिर ऑक्सीजन का अभाव होगा, प्राणवायु का अभाव होगा, जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, तो फिर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलेंगे, सूर्य के ओजोन परत में छिद्र होगा और फिर यह प्रकृति, ये जो सृष्टि है, यह जल करके भस्म हो जाएगी, मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कलयुग का है। हाँ, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको देखा, और मैं बता दूं आपको, पूरी विश्व में सबके लिए, सबके निमित्त, जिसमें प्रकृति में जितने जीव हैं, सबके निमित्त अगर किसी ने विचार किया और सबके साथ सामंजस्य स्थापित किया तो मात्र हिंदू संस्कृति है, इसलिए यह प्योर साइंटिफिक है। जैसे हमने सूअर को भी भगवान मान लिया, मान लिया ना, बड़ा भगवान है हमारे, जबकि एक संस्कृति उसको भगवान नहीं मानता। हमने गाय को भी भगवान मान लिया, वो हमारी माता है, वेद माता है, देव माता है, कामधेनु है हमारी, गौ माता है, लेकिन एक संस्कृति जो विश्व की एक बड़ी बिरादरी के लोग हैं उसको नहीं मानते, लेकिन हमने तो सबको सम्मान दिया है ना, हमने सबको सम्मान दिया। और मैं फिर से एक बार निवेदन करूं, यदि पुनः विश्व में शांति के साम्राज्य को स्थापित करना है, विश्व में राम राज्य की सुखद स्थापना होनी चाहिए, यदि शांति साम्राज्य को स्थापित करना है, पूरे विश्व बिरादरी के लोगों आओ और हिंदू बन जाओ। एक, हाँ, हिंदू कोई जाति नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये सनातन है, ये एक जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने के लिए पद्धति होनी चाहिए ना, जैसे ट्रैफिक रूल है, या बाएं चलो, अनुशासन है, तो बाएं चलो, आप एक रूल बन गया है ट्रैफिक का, तो आप बाएं चलोगे तो सुखपूर्वक आप अपनी यात्रा पूरी कर लोगे, यदि बाएं नहीं चलोगे, दाहिने जाओगे, तो उधर से आती हुई गाड़ी आपको एक्सीडेंट करेगी ना। जीवन जिए और मरने के बाद भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसके लिए जो व्यवस्था निर्मित की गई उसका नाम हिंदू संस्कृति है। ये वेद भूमि है, और वेद व्यास से लिखा कि इसके लिए वेद भूमि है, इसी से वेद क्या है? विद धातु में अनंग प्रत्यय लगता है, वेद विद धातु होता है, उससे वेद शब्द है निष्पन्न, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद में जो नहीं है और दुनिया में कहीं नहीं है, नहीं। आप वेद में 1,00,000 मंत्र है, 1,00,000 जिसमें से 80,000 कर्म कांड है, 80,000 16,000 उपासना कांड है और 4,000 ज्ञान कांड है, 1,00,000 हो गया। तो 80,000 मंत्रों में सुई बनाने से लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ाने तक, एटम बम, दुनिया का कोई भी बम, विध्वंसात्मक से लेकर सृजनात्मक तक, साइंटिस्ट, हाँ, मतलब उसमें सब कुछ है, कैसे जिए, क्या खाएं, कब खाएं, कितना सोए, सब कुछ है ये 80,000 मंत्रों में, हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के प्रत्येक विधा का निरूपण किया गया। 16,000 मंत्रों में हम ईश्वर की उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना, मतलब हम ईश्वर के समीप कैसे पहुंच जाएं, तो उसमें स्तुति है, वंदना है, ये 16,000 मंत्रों में, और 4,000 मंत्र जो है वो अहम ब्रह्मास्मि, जब आप समृद्ध हो जाए, वैश्विक रूप से समृद्ध हो जाए, तो फिर ईश्वर के समीप चले जाने का यत्न ढूंढे। देखो, याद रखना, जब तक शरीर की आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होती, तब तक हमारे मन का भूख नहीं जगता है। पेट में भूख लगा हो तो कौन संगीत सुनेगा भाई, कौन अनूप जलोटा जी के भजन को सुनेगा, नहीं सुनेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको
पेट की भूख को शांत करना होगा, ये हमारी मौलिक जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। तो 16,000 हाँ नहीं तो 80,000 में इसकी व्यवस्था है, ठीक है। और जब पेट की भूख जब शांत हो जाती है तो फिर मन की आवश्यकता जगती है, अब अच्छे संगीत होने चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे कहीं चलो पिकनिक टूर से घूम के आ जाते हैं, कोई तीर्थ स्थल घूम के आ जाते हैं। तो वो जो 16,000 है मंत्र, वो उपासना है, ईश्वर के समीप जाने का साधन है। और 4,000 जो है वो ईश्वरमय हो जाने का साधन है, अहम ब्रह्मास्मि, वो आत्मा की भूख है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वो ज्ञान कांड है। यही 4,000, 16,000 और 80,000 मंत्र मिला करके 1,00,000 मंत्रों में का प्रतिपादन जो है वो हमारे वेद हैं, जो 4 भागों में हमारे वेद व्यास जी महाराज ने वेद त्रय करके पहले इसका निरूपण हुआ, बाद में अथर्व वेद आया, पहले ऋग वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद। ऋग्वेद जो है उसमें उपासना पद्धतियां हैं, यज्ञ जागादि से संबद्ध जो हम स्तुति गायन करते हैं वो है। यजुर्वेद में कर्म कांड है, सामवेद में संगीत है, गायन है, स्तुति है, और अथर्ववेद जो है वह विशुद्ध विज्ञान है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, वह व्यवहारिक जीवन है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि जो हमारे वेद में है वही संसार में है। सब वेदकारी वेदकारी समस्त भक्तजन में आपका संदेश क्या है? शांति प्रिय राष्ट्र है और सारा विश्व है, केवल भारत ही नहीं, भारत का नेपाल से तो अभिन्न अंग है, नेपाल तो मित्रता, इसलिए मैं मित्रता नहीं कहता, मैं मानता हूँ कि भारत और नेपाल एक ही है। हम सभी वाराह क्षेत्र जम्बू द्वीप पे पढ़ाया जाता है ना, ब्रह्मा वर्तई का देश पुण्य क्षेत्र पशुपति क्षेत्र, तो ये सब तो मेरा है, अपना है, मुक्तिनाथ क्षेत्र वाराह क्षेत्र तब, तो इसलिए मेरा मानना है कि भारत और नेपाल एकदम एक है। अब रही बात कि मैं नेपाल के लिए, मैं नेपाल की परिस्थितियों पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। नेपाल अभी नेपाल बड़ा शांत था, प्रकृति ने दिल खोल करके इसे दिया है, श्रृंगार किया है नेपाल का, और बड़ा सुशांत क्षेत्र है, सारा विश्व प्यार करता है नेपाल से। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ आई, दुखद घटनाएँ हुई, राज परिवार का हत्याएं, इतनी बड़ी घटना, उसने हिला दिया पूरे विश्व को, और शांति प्रिय राष्ट्र में इतनी बड़ी घटना, बड़ा निंदनीय था, बड़ा क्रूरतम घटना थी। उससे अब देश धीरे धीरे उभरा, तब तक भिन्न भिन्न आतंकवादी संगठन इस पर हावी हो गए, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ यह देश बहुत लफेड़े खाए, फिर भी आज खड़ा होने का अपने पैरों पर यत्न कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा विशेष करके यहाँ के राजनेताओं से कि नेपाल है तब आपकी राजनीति है भैया, इसलिए नेपाल को बचा लो, और नेपाल तब ही बचेगा जब यहाँ की संस्कृति बचेगी। नेपाल, कोई नेपाल यदि घूमने के लिए आता है संस्कृति के लिए है, तो संस्कृति को देखने के लिए आता है। आज भी कोई विदेशी यदि भारतीय, चाहे कोई जैपनीज, कोई चाइनीज, कोई अमेरिकन यदि नेपाल को देखने आता है, तो यहाँ के पशुपति की क्षेत्र में वही पुराने से मंदिर पर अपने माथे को झुका करके प्रणाम करने के लिए आता है, जहाँ की ऊंची इमारतों को देखने थोड़े आता है। आज भी कोई अगर आता है तो इस श्वेत गंडकी के जल को अपने हाथों पर उठा करके अपने माथे पर रख करके प्रणाम करने के लिए आता है, यहाँ बियर बार में बैठ करके शराब पीने थोड़े आता है। तो यहाँ की संस्कृति ही यहाँ की समृद्धि है। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के युवाओं से, यहाँ के संतों से, आप माताओं से, आप पत्रकारों से, यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों से, और विशेष करके राजनेताओं से, इसलिए कि आज सारी शक्तियां सत्ता के अधीन है, और सत्ता जो है राजनीति के अधीन है, तो आप ही इस देश को दिशा दे सकते हो। आप चाहो तो ये देश यहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता है, हमारे पांडव भी यही से स्वर्ग का रास्ता निकाले थे। आप चाहो तो इसे स्वर्ग बना दो, आप चाहो तो फिर नरक बना दो। इसलिए मैं राजनेताओं से कहना चाहूंगा, ये देश बचेगा तो आपकी राजनीति बचेगी, नेपाल बचेगा तभी आप बचोगे राजनीति करने तो, हाँ, तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप नेपाल को बचा लो। पुनः हम चाहेंगे कि यहाँ हिंदू सुरक्षित हों,
समृद्ध हो। जब तक यहाँ हिंदू राष्ट्र रहा तब तक सबको सम्मान मिला, चूंकि हम दूसरे को सम्मानित करने वाले लोग हैं। और जब से ये धर्म निरपेक्ष हुआ, देखो दुनिया में कोई भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। जैसे जल का धर्म है शीतलता, यदि उसे धर्म निरपेक्ष बना दो तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, याद रखना। इसलिए धर्म सापेक्ष ही होता है, तभी उसका गुण उसका जीवन बचा रहता है। यदि नेपाल को बचाना है तो इसके धार्मिक जीवन को बचाना होता है। और मैं नेपाल वासियों को फिर से एक बार अनंत शुभकामनाएं दूंगा, अभी दीपावली पे, छठ पे, और फिर भारत और नेपाल की जो मित्रता है, अंतरंगता है, वह पुनः एक बार अपने उत्कर्ष को प्राप्त करें। पत्र लिखा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं फिर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है, सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा। बात करें संवाद माध्यम अस्तो मेरा पिताराम पिताजीश्वर जगद्गुरु पुण्य पूज्य श्री स्वामी उपेन्द्र पराशर जी महाराज जी सब वहाँ श्री ध्रुव नारायण पराशर र माता कमला धाम का सुपुत्र हुनुहुन्छ, जो सुपुत्र भारतमा रहे तापनि नेपालमै मन तन र धन पनि दिने अवस्था सुरु गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले विशेष विशेष धन्यवादका साथ हाम्रो जुन समयको अभावमा पनि हामीले समय दिएर यो अन्तर्वार्तामा सहभागी बनिदिएकोमा हामी कृतज्ञताका साथ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अहिले भर्खरै हामीले यो अन्तर संवादलाई पनि अहिलेको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। मलाई क्यामरामा साथ दिनुहुने शरण कुल अमनलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै अहिलेको यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। Okay, Mr. Mad, namaskar.